वेलकम टू स्टडी प्लग। नमस्कार, चलिए आज एक नया प्रोग्राम बनाते हैं ऑड और इवन का, सम और विषम संख्या। एक सी का प्रोग्राम ऐसा बनाएंगे जो यूजर से एक नंबर लेगा और बताएगा कि वो इवन नंबर है कि ऑड नंबर है, मतलब सम संख्या है या विषम संख्या है। इसके लिए इसका लॉजिक पहले तैयार करना पड़ेगा, किन नंबर को हम इवन नंबर्स कहेंगे और किन नंबर को हम ऑड नंबर कहेंगे। तो इवन नंबर वो जो टू से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए वो इवन नंबर्स है, और जो टू से डिवाइड नहीं होते हैं वो ऑड नंबर्स हैं। टू से डिवाइड कम्प्लीटली डिवाइड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं ये हमको मॉड्यूलस ऑपरेटर बताता है। हम रिमाइंडर देख के ये पता लगा पाएंगे कि हाँ, अगर रिमाइंडर जीरो है तो कम्प्लीटली डिवाइड हो गया है, रिमाइंडर जीरो नहीं है तो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हुआ है। और आप कहेंगे कम्प्लीटली डिवाइड तो पॉइंट लग के भी रिमाइंडर जीरो आ सकता है, तो आपको मैंने पहले ही बता दिया था ऑपरेटर वाले केस में कि मॉड्यूलस ऑपरेटर सिर्फ इंट पे काम करेगा, वो पॉइंट में डिवाइड को जाने ही नहीं देगा। इसका मतलब बिना पॉइंट के ही जीरो आता है तो नंबर कम्प्लीटली डिवाइड हो गया है, और अगर जीरो नहीं आ रहा है तो वो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हुआ है। इसी कंसेप्ट को लेके चलिए प्रोग्राम को शुरू करते हैं। शुरू में दोनों हेडर फाइल हैश इंक्लूड stdio.h और हैश इंक्लूड conio.h। वॉइड मेन प्रोग्राम की स्टार्टिंग, कर्ली ब्रैकेट ओपन। मुझे यूजर से एक नंबर लेना है इसलिए मैं एक ही वेरिएबल बना रहा हूँ, वो भी किस टाइप का बनाना है, इंट टाइप का, तो इंट ए। फिर clrscr पुरानी स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। फिर मैं यूजर को मैसेज दूंगा कोई भी एक नंबर वो इंसर्ट करे, तो प्रिंट ऑफ लिख देंगे एंटर एनी नंबर, उसी नंबर को हम स्कैनर से रीड आउट कर लेंगे। अब नंबर आ गया है मेरे पास, अब मुझे चेक करना है कि टू से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसके लिए कंडीशन लगाऊंगा मैं इफ ब्रैकेट ओपन ए मॉड्यूलस टू। ए में वो नंबर है यूजर ने डाला है, मॉड्यूलस ऑपरेटर बताएगा कि टू से डिवाइड होने पर रिमाइंडर क्या आ रहा है। इवन नंबर के लिए क्या आना चाहिए, जीरो रिमाइंडर आना चाहिए, इसलिए मैं इसी कंडीशन को इक्वल चेक करा लेता हूँ जीरो से। ए मॉड्यूलस टू इक्वल टू जीरो। इक्वल टू में मैंने डबल बार इक्वल टू का साइन क्यों लगाया है, क्योंकि ऑपरेटर वाले वीडियो में आपने देख लिया था कि इक्वल टू सी में अगर मुझे दो नंबर्स में या दो चीजों में इक्वलिटी चेक करानी है तो दो बार मुझे इक्वल टू वाला साइन लगाना होगा। इसमें भी मैंने दो बार इक्वल टू वाला साइन लगा दिया। इसका मतलब यह है कि ए टू से डिवाइड होगा अगर रिमाइंडर जीरो के बराबर आता है। इसका मतलब ये क्या है कि नंबर टू से कम्प्लीटली डिवाइड हो गया है। तो मुझे इसके ब्लॉक में क्या लिखना है, इफ के ब्लॉक में ये कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है कि नंबर टू से डिवाइड हो गया है, तो इफ के ब्लॉक में मैं प्रिंट एफ में लिख दूंगा प्रिंट एफ यू एंटर्ड ए इवन नंबर, आपने एक इवन नंबर इंसर्ट किया है। और अगर ऐसा नहीं करता है यूजर, इफ वाला ब्लॉक क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है, नंबर डिवाइड होता है और रिमाइंडर कितना नहीं आ पाता है, जीरो नहीं आ पाता है, तो इसका मतलब वो क्या है, इवन नंबर नहीं है, वो कौन सा नंबर है, ऑड नंबर। तो एल्स में मैं लिख दूंगा प्रिंट एफ यू एंटर एन ऑड नंबर, यू एंटर ए ऑड नंबर, आपने एक ऑड नंबर इंसर्ट किया है। एल्स का ब्लॉक बंद कर देंगे, गेट सी एच आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करने के लिए, प्रोग्राम बंद। सबसे पहले कंपाइल करेंगे, शॉर्टकट की है अल्ट प्लस एफ नाइन, सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है। रन करने के लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एफ नाइन, दबाता हूं मैं इन दोनों की को, प्रेस करता हूं, देखिए आउटपुट आ गया है। मेरे से पूछ रहा है एंटर एनी नंबर, मैं डालता हूँ फोर, आउटपुट आ गया दिस इज ए इवन नंबर, फोर एक इवन नंबर है। इसी प्रोग्राम को मैं वापस रन करता हूँ क्योंकि मेरे को ऑड के लिए भी चेक करना है। अब मैं इंसर्ट करता हूँ फाइव, और फाइव पे भी आउटपुट आ गया इट इज एन ऑड नंबर, फाइव एक ऑड नंबर है। इस प्रोग्राम को हमने इवन नंबर के लिए भी चेक कर दिया और ऑड नंबर के लिए भी चेक कर दिया, दोनों ही केस में प्रोग्राम सही से चल रहा है। आशा करता हूँ कि ये प्रोग्राम आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या किसी और टॉपिक पे आपको प्रोग्राम के ऊपर वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।